है दोस्तों, आप लोग 40,000 के अंदर एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो बट कंफ्यूज हो कौन सा स्मार्टफोन या कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ जाना चाहिए, तो मेरा ये वीडियो को आखिर तक देख के जाना, क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैंने आप लोगों का नीड यूजर्स कंपनी के अकॉर्डिंग टॉप 5 फ्लैगशिप स्मार्टफोनों को सिलेक्ट किया है जिसे आप लोग 40,000 के अंदर परचेस कर पाओगी। और दोस्तों, ये सारे स्मार्टफोनों में फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर दिया गया है जिससे आप लोग हैवी गेमिंग, मल्टीटास्किंग, कॉम्पिटिटिव लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, और फ्लैगशिप लेवल का कैमरा दिया गया है प्रो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ब्लॉगिंग करने के लिए। उसके साथ कार्ड डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, IP68 की रेटिंग, टॉप नॉइज लेवल का AI फीचर्स देखने को मिल जाएगा, और बाकी सब स्पेसिफिकेशन टॉप नॉइज लेवल का दिया गया है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है नथिंग फोन 2। गाइस, नथिंग की तरफ से एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो जिसके अंदर फ्लैगशिप लेवल का कैमरा, फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस मिले, तो ये स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.7 इंच का फुल HD प्लस OLED LTPO डिस्प्ले आता है, 1 Hz to 120 Hz रिफ्रेश रेट पे वर्क करता है, 1600 nit peak brightness, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें Qualcomm की तरफ से Snapdragon 8 प्लस Gen 1 का चिपसेट मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 11 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है। 19 5G वैन का सपोर्ट के साथ ये स्मार्टफोन में फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया जाए तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा हाइट और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में सोनी की तरफ से IMX 890 वाला सेंसर और OIS का सपोर्ट मिल जाता है। 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिलता है। 4700mAh की बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 45W फास्ट चार्जिंग को, 0 to 100% चार्ज 55 मिनट में करके देगा, और वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। IP54 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग, NFC डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है। स्मार्टफोन का पीछे LED लाइट सेटअप मिल जाता है, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 स्टोरेज। फाइनली स्मार्टफोन का प्राइस की बात किया जाए, 8GB RAM, 128GB मेमोरी अभी के टाइम पे 39,999 रुपीस में मिल जाएगा। नंबर 4 पे आता है Vivo V30 Pro। 40,000 के अंदर टॉप नॉइज लेवल का डिजाइन के साथ साथ अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल का कैमरा क्वालिटी, फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली Vivo V30 Pro की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ 3D का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को, 2800 nit peak brightness, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और परफॉर्मेंस की बात किया तो MediaTek की तरफ से Dimensity 8200 का चिपसेट मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 950,000 के आसपास एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है। 8 5G वैन का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR5X RAM, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात कर लेते हैं जिसके लिए Vivo का V-Series जाना जाता है। पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा सोनी IMX 920 सेंसर के साथ, और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा हाइट और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है सोनी IMX 860 सेंसर के साथ, और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों ही कैमरा से 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा में OIS का सपोर्ट और जाइस के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। कैमरा क्वालिटी फ्लैगशिप लेवल का देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 80W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा, 100 पे बेस्ड होगा। स्मार्टफोन के पीछे स्मार्ट लाइट दिया गया है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लूज डिजाइन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। और प्राइस की बात की तो 8GB RAM, 256GB वेरिएंट अभी के टाइम पे 42,000 मिलेगा, डिस्काउंट लगा के 40,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 3 पे आता है Samsung Galaxy S23 FE। 40,000 के अंदर Samsung की तरफ से एक बढ़िया सा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली Samsung S23 FE की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.4 इंच का फुल HD प्लस डायनामिक 2X AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को, 1450 nit peak brightness दिया गया है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिल जाएगा। और परफॉर्मेंस की बात की तो Samsung की तरफ से Exynos 2200 का चिपसेट मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 11 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है। 14 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR5 RAM, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात की तो स्मार्टफोन का पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 8K वीडियो 24fps पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे, और फ्रंट कैमरा से 4K वीडियो 60fps पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट दिया गया है। कैमरा क्वालिटी टॉप नॉइज लेवल का देखने को मिल जाएगा। और 4500mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 25W चार्जिंग को। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, 1 UI पे बेस्ड है।
4 साल का वॉइस अपडेट, 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। स्मार्टफोन में IP68 का वाटर एंड डार्क रेटिंग देखने को मिल जाएगा। S24 में जो AI फीचर्स देखने को मिलता है वो इस बार S23 FE में भी देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB रैम अभी के टाइम पे 40,000 के अंदर देखने को मिल जाता है। नंबर 2 पे आता है OnePlus 12R। 40,000 के अंदर एक अल्ट्रा फ्लैक्सी लेवल का स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो OnePlus 12R की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ 3D कप एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 4500 nit पिक ब्राइटनेस मिल जाता है। HDR10+ का सपोर्ट, डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया गया है। गोरिल्ला ग्लास विक्टेस 2 का प्रोसेसर मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का चिपसेट मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बेस्ड है। 1.5 मिलियन के ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल के आता है। 15 5G का सपोर्ट दिया गया है। ये स्मार्टफोन का बेस ग्रेड में आप लोगों को LPDDR5X रैम UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा और टॉप वेरिएंट में LPDDR5X रैम UFS 4.0 स्टोरेज टाइप दिया गया है। ये स्मार्टफोन में गेमिंग परफॉर्मेंस अल्ट्रा फ्लैक्सी लेवल का देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया जाए तो स्मार्टफोन का पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है सोनी IMX890 सेंसर के साथ और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है उसके साथ 2MP का मैक्रो और 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी फ्लैक्सिप लेवल का देखने को मिल जाएगा। 5500mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करेगा 100W फास्ट चार्जिंग को 0 to 100% चार्ज 26 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा। ऑक्सीजन OS 14 पे बेस्ड है। 3 साल का OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। और प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB रैम 40,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 1 पे आता है IQ Neo 9 Pro। 35,000 के अंदर अल्टीमेट लेवल का फ्लैगशिप क्लास स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली IQ Neo 9 Pro की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि सपोर्ट करता है 144Hz रिफ्रेश रेट को और 3000 nit पिक ब्राइटनेस मिल जाता है। HDR10+ का सपोर्ट मिल जाएगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और परफॉर्मेंस का बात किया तो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का चिपसेट मिल जाएगा जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 1.7 मिलियन के ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल के आता है। LPDDR5X रैम UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में अल्ट्रा फ्लैक्सिबल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात की तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा सोनी IMX920 सेंसर के साथ और OIS का सपोर्ट दिया गया है। और 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा उसके साथ 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे और 4K वीडियो 30 and 60fps पर रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरा से 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। 5160mAh की बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा। फांटा जो इस पे बेस्ट होगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन का प्राइस की बात की जाए तो 8GB रैम 256GB वेरिएंट अभी के टाइम पे डिस्काउंट लगा के 35,000 के अंदर मिल जाएगा।